9 अप्रैल से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। पंडित जी ने बताया कि घट स्थापना के नियम क्या हैं, कलश स्थापना करते समय किन बातों का ख्याल रखें। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। पंडित जी, शुभ मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है, तो किस मुहूर्त में जो है घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें, ताकि माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिले। देखिए प्रवीण जी, जो कलश की स्थापना है वो दरअसल आपके भक्ति का जन्म है, इसीलिए मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को रात में 8:30 तक है, इसीलिए कलश की स्थापना 9 अप्रैल रात 8:30 के पहले कर ली जाएगी। सबसे अच्छा समय जो कलश स्थापना का कल होगा वो समय होगा सुबह 6:01 से प्रातःकाल 10:15 के बीच में। सुबह 6:01 से 10:15 में स्थापित कर सकते हैं। अगर अभिजित मुहूर्त में स्थापित करना चाहते हैं तो दोपहर को कल 11:56 से 12:47 के बीच भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और जैसा पहले बताया कि पूरे 9 रातों तक ये कलश स्थापित रहेगा, ज्योति जलती रहेगी। 9 दिन नवरात्रि के बीत जाने के बाद तब कलश को वहां से हटाना बेहतर होगा। कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अपनी महत्वता है, अपनी विशेषता है। पंडित जी, हर नवरात्र में देवी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती हैं और किसी न किसी वाहन से जाती हैं, तो इस बार चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और उस वाहन का क्या प्रभाव होगा? देखिए प्रवीण जी, ज्योतिष के हिसाब से हम ये समझते हैं कि देवी जिस वाहन पर आती हैं अगली नवरात्रि तक देश दुनिया में उस वाहन के अलग अलग फल पड़ते हैं और बताए जाते हैं। इस बार जिस वाहन पर देवी सवार होकर के आ रही हैं वो है घोड़ा। घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। घोड़ा जो है वो युद्ध का, मेहनत का, संघर्ष का प्रतीक है। ये वाहन शुभ वाहन नहीं माना जाता, और जब देवी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लोगों के बीच में झगड़े और वाद विवाद की संभावना बन जाती है। तो देवी का इस बार का वाहन शुभ नहीं है। आने वाले समय में देश दुनिया में युद्ध की संभावनाएं और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां बन सकती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।